जी आरिफ साहब, जैसे कि ये यहाँ पे आज नए बस स्टैंड का काम कल से शुरू हुआ है, तो क्या उम्मीद है कितनी देर में ये कंप्लीट हो सकता है और इससे कितना बेनिफिट रहेगा लोगों को? देखो, कल हमारे जो रजौरी के डीएम हैं श्री रजेश कुमार श्यवन जी, और उनके साथ पूरी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने यहाँ पे विजिट किया, और कल ही हमने अपना दिन को इस काम का, जो अपना लेवलिंग का, जो अपने इस बस स्टैंड का काम है वो स्टार्ट किया है। ये रजौरी थन्ना मंडी और दरहाल बांड बसेज जो हैं वो सारी यहाँ पे अपना जो हमारे इस क्योरा में या इस इलाके में खड़ी होती हैं, जिसके कारण हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स लोग हैं या जितने भी हमारे दुकानदार हैं या हमारे जो सिटी के जो शहरी हैं, इन सबको आए दिन जो है वो मुश्किल रहती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से 4 महीने पहला म्यूनसिपल्टी ने, रजौरी म्यूनसिपल्टी ने इस बस स्टैंड को प्रपोज़ किया था, और उस वक्त फिर म्यूनसिपल्टी ने इसकी लेवलिंग का जो पैसा है वो म्यूनसिपल्टी ने अपने एक प्लान में रखा था, जो अभी टेंडर होके जिसका अभी अलाटमेंट हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बस स्टैंड जो है हमारे शहर की जो ये जो जामिंग की जो प्रॉब्लम्स है, या जो हमारे जो इन जिन 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 रूट्स पे ये बसेज हमारी चलती हैं, चाहे वो थन्ना मंडी हो, दरहाल हो, या जो खेरा इस पूरे इलाके का, इवन मुगर रोड की बसेज जो हमारी आगे गाड़ी यहाँ से जाएंगी, वो सारी जिस मुश्किल में हैं, ये बस स्टैंड तैयार होने के बाद उनकी ये सारी मुश्किल हल हो जाएगी। और रजौरी के लोगों को और पूरे हमारे ज़िले के लिए ये जो हमारा जो बस स्टैंड है, जब ये तैयार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली बात है। और साथ ही साथ जैसे रहा कि इस पर अभी कितना काम होगा, इसकी जो DPR है बस स्टैंड की, वो न्यू बस स्टैंड के डेवलपमेंट के लिए वो बन रही है, ये हमारे जो स्टेट का अपेक्स बजट है उसमें जाएगी, और उसमें जितने भी हमारे जो बड़े बजट के बस स्टैंड्स हैं उसमें इसको हम इंक्लूड करके सरकार के पास हम मेहनत करेंगे और वहाँ से इसका अप्रूवल मिल जाएगा। उससे पहला इसकी लेवलिंग और यहाँ पे जितना भी कंक्रीट होना है ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। और हमें आज जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे DC साहब हैं, एडिशनल DC साहब हैं, SSP साहब हैं, उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारे म्यूनसिपल्टी काउंसिल्स के जितने भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काउंसिल्स जिन पे मेहनत करके काउंसिल ने ये शुरू किए हुए थे, वो जल्द अज जल्द शुरू किए गए हैं, और उनमें जितनी भी अपना कंप्लीशन में जितनी जल्दी हो सके वो जल्दी हों, ताकि हम जो चीज़ें अपने इस शहर को और अपने जो अपने लोगों को देना चाहते हैं उसको टाइमली हम कर पाएँ। आरिफ साहब, जैसे कि रेडी और फड़ी वालों की अगर हम बात करें, जो मंडी में जो काम करते थे, इंतज़ामिया ने उनको किसी वजह से वहाँ से उठा दिया है, क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा कुछ प्रपोज़ल है कि उनको भी कहीं पे एकोमोडेट किया जाएगा? देखो, बिल्कुल, ये पिछले अपने कुछ हफ्ते हो गए हैं कि अपने 2 हफ्ते से लगभग हमारे रेडी फड़ी के जो लोग हैं उनको मंडी में यहाँ पे जो काम करते थे वहाँ से उनको रिमूव किया गया है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया है, और चाहे वो हमारे यहाँ के DC साहब हों या म्यूनसिपल्टी हो, हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि उनको हम एक मुकम्मल जगह दे दें, ताकि जो आए दिन उन बेचारों पे कभी लाइन आर्डर की वजह से या कभी और अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको परेशान करते हैं, उस परेशानी से वो बच पाएँ। क्योंकि अगर वो एक जगह पे काम करते हैं तो उनका वापस से गुजारा स्टार्ट हो जाता है, फिर वो उसी हिसाब से अपने जो बच्चों का, अपने घर का जो अखराजात है वो फिक्स कर लेते हैं, फिर बाद में जब उनको हम वहाँ किसी भी वजह से वहाँ से उनको रिमूव करते हैं हम, तो वो लोग एकदम जो है वो विक्टिमाइज हो जाते हैं। उनके जो रूटीन के, जिस तरह से वो अपने, चाहे बच्चों की पढ़ाई का मसला हो या खाने पीने का मसला हो या रूम रेंट का मसला हो, वो सारा जो है वो सारा बंद हो जाता है, डिफंक्ट हो जाता है। हम ये चाहते थे कि इस बस स्टैंड के एक बिल्कुल एक साइड पर हम एक इस तरह की एक छोटी सी एक मार्केट तैयार करें, जिसमें स्मॉल शॉप्स, जिसको हम यहाँ पर अपनी ज़ुबान में खोखा भी कहते हैं, वो बना के इस तरह के सारे लोगों के हवाले कर दें। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे हमारे जो अपने ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं या अपने हमारे जो ये अपने दुकानदार भाई हैं, उसमें मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि ऐसे दुकानदार, ऐसे कारोबारी जिसके पास अपनी दुकान नहीं है और वो दुकान किराए पे भी नहीं ले सकता, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है और कोई भी ज़रिया नहीं है, हम ये चाहेंगे कि इस बस स्टैंड के साथ भी हम इस तरह की एक छोटी मार्केट रखें, ताकि उन लोगों के जो डे टू डे जो वो विक्टिमाइज होते हैं या उनके जो बच्चे और परिवार सफ़र होते हैं, हम उससे बचा पाएँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि DC साहब भी इस मसले में मेरी जब ये उसके बाद हमारे जो रेडी फेडी के लोग उनसे मिले, उसके बाद मेरी भी DC साहब से इस मसले में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, कल भी जब DC साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि एक नहीं बल्कि 3-4 JCP लगाएं, इसको जल्द से जल्द लेवल करें। कारण साफ है कि जितने भी हमारे इस तरह के जो वो लोग जो हमारे किसी भी डिसीजन से परेशान होते हैं, ताकि साथ ही साथ हम उनको अकोमोडेट करें, इस बस स्टैंड पे उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, बल्कि एक तरफ उनको एक छोटी सी मार्केट जो है उनको बना के उनके हवाले की जाएगी, जो रूल्स होंगे वो जो हमारी काउंसिल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वो सारे सेटल किए जाएंगे कि उनसे कितना प्रीमियम लेना है, क्या रेंट रहेगा, और कम से कम हम चाहेंगे कि कम से कम अपना रेंट पे, कम से कम प्रीमियम पे हम उन लोगों को यहाँ पे परमानेंट जगह प्रोवाइड करें। उसमें भी जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उस सारे का रिकॉर्ड म्यूनसिपल्टी के पास है, उसमें से हर फैमिली को हम कोशिश करेंगे कि एक
बंदे को यहाँ पे लोकेशन मिले ताकि लोग अपने घर का और अपने जो